सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। केरल मॉडल के तर्ज पर इको फ्रेंडली का स्वरूप मोंगिया स्कूल होगा, ये बातें कहा डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया। उद्योग जगत के भीषम पितामह कहे जाने वाले मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया सोच एक अच्छी पहल केरला मॉडल के तर्ज पर एक शानदार इको फ्रेंडली स्कूल की आधारशिला रखी गई। मोंगिया स्कूल का शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन ग्रिड स्थित मोहनपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन टूंडी रोड में रखी गई। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से मोंगिया स्कूल का शिलान्यास विधिवत रूप से शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा उपस्थित हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया भी पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहे। अन्य अतिथियों में मोंगिया स्टील के निदेशक त्रिलोचन कौर, हरिंदर सिंह मोंगिया, वसंत पुरिया, एलाइज के निदेशक बलविंदर सिंह सलूजा शामिल थे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोंगिया स्कूल के निदेशक सन्नी शर्मा ने सभी का अभिवादन किया और मोंगिया स्कूल के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद विधि विधान और अरदास के साथ इस विद्यालय की आधारशिला रखी गई। मौके पर विद्यालय के ब्राउसर का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि आम विद्यालय से हटकर एक अलग तरह के स्कूल की परिकल्पना उन्होंने कई साल पहले की थी, अब उस परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। आज आवश्यकता यही थी, बीते काफ़ी दिनों से पर्यावरण को लेकर सभी तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, आप सभी उसके गवाह थे, चाहे वह वन महोत्सव हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो, आज आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षित करने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि आज इस आधारशिला यहाँ पर रखी जा रही है और पर्यावरण को बचाने के लिए हर दृष्टिकोण पर खड़ा उतरने वाला है। फिर वह चाहे बिल्डिंग बनाने वाले ईटें की ही बात करूँ, फ्लाइयर ट्रक्स के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, इसमें कम सीमेंट का उपयोग होगा, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी ध्यान रखे जा रहे हैं, वेस्ट और वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस से संबंधित प्लांट, हवा आदि के आने की उचित प्रबंध व्यवस्था, किसी भी तरह के किसी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। मैं इसके आगे भी यही अनुरोध करूँगा इस स्कूल के बनने के दौरान कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जा सकता है, जितने भी पौधों को लगाया जा सकता है, संरक्षित करने की व्यवस्था की जा सकती है, उस पर भी खासा ध्यान दिया जाए। हर बच्चे इस विद्यालय में जो पढ़ने के लिए आएंगे उनको हर वर्ष एक संख्या में, एक निर्धारित संख्या में पेड़ों को लगाने के लिए अपने परिवेश को समझाने का, बताने का, या एक और चीज़ भी है जो राष्ट्र प्रेम आज लोग भूल रहे हैं, इन चीज़ों को बताने का, कुछ भी जिस चीज़ों को हम आज छूट रहे हैं उससे प्रति अब हम लोग अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को कौन देगा। हमें ये चाहिए कि हर समय जिस वक्त जिस चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें ही आगे बढ़ के इस चीज़ों को कहने का मतलब हम लोग सब हमें ही आगे बढ़ना है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छे रास्ते पर ले जा सके। उसके लिए यहाँ पर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल बिल्डिंग के डिजाइन जो होंगे वो झारखंड के मौसम के अनुकूल हों, बिल्डिंग में खुली स्पेस हो जिससे प्राकृतिक रोशनी हवा आगमन सही प्रकार से हो, असेंबली एरिया एवं खेलने की खुली और बड़ी जगह हो, साथ ही क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए विभिन्न प्रकार के आज आसपास के इलाकों में बड़े बड़े स्कूल खुल रहे हैं जिसमें कि बच्चों का इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो जाता है कि हम उन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। हमने एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाना है जिसमें कि सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से और यहाँ तक कि उन चीज़ों का उपयोग करके बनाना है जिसमें कि सारा कुछ इको फ्रेंडली हो, बाँस का उपयोग हो, मिट्टी का उपयोग हो और इन चीज़ों का उपयोग हो, जैसे अगर कहीं ईंट भी लगे तो वो जो अभी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ईंट आती है वो लगे, यानी कि इस प्रकार का हमारा सारा इंतज़ाम और बाकी जो हॉलो लगते हैं सारे सिस्टम जिसमें जिसको कहते हैं रैट ट्रैप, इस टाइप के सिस्टम लगते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार से बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती है, वो हॉलो रहता है, खाली रहता है ना, तो इस प्रकार के जो
हम लोगों ने सारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से केरल से ही हमने टेक्नोलॉजी ली है और ये स्कूल पूरे झारखंड में अभी भी एक भी इको फ्रेंडली स्कूल बना नहीं और आसपास के इलाके में भी कहीं नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रयोग करना है और उसमें अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके और सबसे बड़ी बात कि एक अफोर्डेबल स्कूल हो, ऐसा विद्यालय हो जिसमें हर कोई पढ़ पाए और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, कम से कम खर्च में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, यह मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का विचार है। और उसी विचारधारा के हिसाब से जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनको भी हम साथ लेके चलें, इस प्रकार का एक हमारा जो विचार था उसको आज हम पूरा कर पाएँ, इसके लिए हमने ये मोंगिया स्कूल बनाना के एक प्रयास किया है। और मैं देखना चाहता हूँ कि किस प्रकार आज की जो जरूरत है उसको हम पूरा कर पाएँ, आज की जो नई पढ़ाई आई है उसके हिसाब से हम पढ़ा पाएँ। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बदलती है, शिक्षा में भी बहुत विकास हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि उस विकास को साथ लेते हुए उन बच्चों का क्या फ़ायदा हम कर सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आने वाली पीढ़ी में क्या फ़ायदा हुआ, जो प्रेजेंट अभी चल रही है ये लकीर में जो फकीर की तरह जो किताबें पढ़ा रहे हैं और जिस तरह से एक पुराने सिस्टम से चले आ रहे हैं, ये वो सिस्टम नहीं है। इसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा के हिसाब से सारी चीज़ें बतानी हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी बढ़े और उन पर दबाव नहीं रहे, इस प्रकार की सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हुए। अभी तो टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातचीत होना शुरू हुई है और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो हम पहले सारी बातें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये वादा रहेगा कि इस आसपास के इलाके में मैं ऐसा स्कूल देना चाहता हूँ जो एक एग्जाम्पल हो और लोग देख के, जिस तरह से हमने स्टील बनाया और जिस तरह का हमने उसमें अपना सिस्टम उसमें बनाया, लोग आज उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं ऐसा स्कूल बना के आपको दूंगा जिसमें कि लोग उसको फॉलो करेंगे और खुशी महसूस करेंगे कि हम भी ऐसा स्कूल बना पा रहे हैं और फिर भी ये स्कूल सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी हो और सभी लोगों को इसका अच्छे से फ़ायदा भी मिले।